आज हम इस वीडियो में इंडियन रेलवे के ग्रुप डी के साइंस के सेट 5 को देखेंगे। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं इस सेट के क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, नाभिकीय बल जो है प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी किस गतिविधियों को दर्शाता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, ईसीजी जो है हृदय के गतिविधियों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीचिका बनने का कारण वायु की परतों द्वारा किस घटना से होती है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, मीथेन गैस जो है बायोगैस का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस किसके प्राप्त किया जाता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, लाइकेन से लिटमस जो है प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, क्षोभ मंडल कहते हैं वायुमंडल की निचली परत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, जल की अधिक मात्रा होने के कारण जो है सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन का दूसरा नाम क्या है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, एसिटिलिक सैलिटिलिक एसिड जो है एस्पिरिन का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, लाल चींटियों में फॉर्मिक जो है अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्जैलिक अम्ल का मुख्य स्रोत है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, सारले के वृक्ष जो है ऑक्जैलिक अम्ल का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रमुख स्रोत हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, हरा कसीम जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिक अम्ल का मुख्य स्रोत क्या है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, मूत्र जो है यूरिक अम्ल का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल के मुख्य स्रोत हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, फिटकरी और सोरा जो है नाइट्रिक अम्ल के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलिक अम्ल किससे प्राप्त किया जाता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, कच्चे सेब एवं फलों से मैलिक अम्ल जो है प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा कांच का प्रमुख संगठक है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, सोडियम कार्बोनेट एवं सिलिका जो है सोडा कांच का प्रमुख संगठक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटास कांच का प्रमुख संगठक है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, इनमें से सभी जो है पोटास कांच का प्रमुख संगठक है, पोटेशियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका जो है यह सब जो है पोटास कांच का प्रमुख संगठक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा क्रिस्टल कांच का प्रमुख संगठक है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, लेड ऑक्साइड जो है सीसा क्रिस्टल कांच का प्रमुख संगठक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पाइरिक्स कांच का प्रमुख संगठक है। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों जो है पाइरिक्स कांच का प्रमुख संगठक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सदिश राशि के उदाहरण हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, संवेग जो है निम्नलिखित में से सदिश राशि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिश राशि है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सदिश राशि के प्रमुख उदाहरण हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, भार जो है सदिश राशि के प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अदिश राशि कौन सा है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, चाल जो है अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स क्या है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, विषाणु जनित रोग जो है एड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलिक एसिड की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, अरक्ता रोग होता है फॉलिक एसिड की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं एवं मुख्य प्रदूषक गैस कौन सा है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों जो है प्रमुख प्रदूषक गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीनिन जो है, ये दोनों जो है प्रमुख प्रदूषक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को क्या लेना चाहिए? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, इनमें से सभी चीज़ें लेनी चाहिए स्वस्थ हृदय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, वसा और कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस से रक्षा के लिए किसका परितिरक्षण किया जाता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, BCG टीका का प्रतिरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालमोनेला टाइफी द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।